हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका द नेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, बी द ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग ऑफ द इंजन, एंड सी है द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, डी द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ द इंजन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। सॉरी, तो द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, बताना है। ये क्वेश्चन आपका है एसएससी जेई 2015 का, और ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है, तो इसे हम नॉर्मली जो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है, ईटा कार्नोट इक्वल्स टू 1 - TC/TH, ठीक है। ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकालने का, जहाँ पे TC है द टेम्परेचर एट विच द लो टेम्परेचर रेजरवॉयर ऑपरेट्स, ठीक है। और TH है द टेम्परेचर एट विच द हाई टेम्परेचर रेजरवॉयर ऑपरेट, द टेम्परेचर एट विच द हाई टेम्परेचर रेजरवॉयर ऑपरेट्स। तो देखिए, यहाँ दोनों टेम्परेचर से रिलेट्स कर रहे हैं। अगर हम इसका डिफिनेशन या फिर इसको जो डिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर है इसको डिफाइन करने के लिए कि द कार्नोट एफिशिएंसी इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी वन कैन गेट ऑन द हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स। देखिए, यहाँ भी हमारा जो है टेम्परेचर से रिलेट्स है। द कार्नोट इंजन इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी वन कैन गेट ऑन द हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स। तो देखिए, ये क्लियर कर रहा है कि ये टेम्परेचर से रिलेट्स है, जिसका एफिशिएंसी है वह टेम्परेचर से रिलेट्स है, ठीक है। जो टू टेम्परेचर है वो दिखाया गया है 1 - TC/TH, इसलिए जो इसका आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।